आज के आधुनिक समय में सोशल मीडिया से कोई भी रातों रात फेमस हो सकता है। और ऐसा ही कुछ हुआ दिल्ली में बाबा का ढाबा के संचालक के साथ। एक मामूली आदमी से इंटरनेट मीडिया पर सनसनी बनकर देश दुनिया में छा जाने वाले दिल्ली के कांता प्रसाद के अजब संघर्ष की गजब कहानी सामने आई है। दरअसल यूट्यूबर गौरव वासन के वीडियो के बाद से चर्चित हुए बाबा का ढाबा के संचालक कांता प्रसाद ने दोबारा अपने पुराने ढाबे को चालू कर दिया है। इससे पहले उन्होंने बाबा का ढाबा नाम से एक रेस्टोरेंट भी खोला था। बाबा कांता प्रसाद का कहना है कि आमदनी कम और लागत ज्यादा होने की वजह से उन्होंने अपना रेस्टोरेंट अब बंद कर दिया है। पिछले साल बाबा का ढाबा की वीडियो वायरल हुई तो काफी लोग कांता प्रसाद की मदद के लिए आगे आए और उनकी आर्थिक तौर पर मदद भी की, जिससे कांता प्रसाद ने नया रेस्टोरेंट खोल लिया। लेकिन अब कांता प्रसाद की माने तो दिल्ली में कोरोना के चलते हालात बहुत खराब हो गए थे। ऐसे में 17 दिनों के लिए अपने पुराने ढाबे को बंद करना पड़ा। इससे बिक्री प्रभावित हुई, हालात फिर वही आ खड़े हुए। लॉकडाउन से पहले जहां रोजाना की बिक्री 3500 रुपए से घटकर अब 1000 रुपए हो गई है, इससे आर्थिक संकट भी पैदा हो रहा था, जिससे कांता प्रसाद अपने परिवार का गुजारा नहीं कर पा रहे थे। फिलहाल बाबा का ढाबा में चावल, दाल और दो प्रकार की सब्जियां मिल रही हैं। बता दें कांता प्रसाद ने दिसंबर में लोगों से मिली आर्थिक मदद से के बाद अपना नया रेस्टोरेंट खोला था। ढाबा शुरुआत में चला भी लेकिन फरवरी में बंद हो गया। अब आलम है कि कांता प्रसाद फिर अपने ढाबे पर रोटियां बनाते हैं। कभी वो रेस्टोरेंट में मॉनिटरिंग किया करते थे। रेस्टोरेंट के अच्छे दिनों के दौरान कांता प्रसाद की पत्नी और दो बेटे काउंटर पर बैठा करते थे। कांता प्रसाद का कहना है कि रेस्टोरेंट के लिए कुल 5 लाख रुपए का निवेश किया था और 3 लोगों को काम पर रखा था। रेस्टोरेंट संचालन का महीने भर का खर्च भी लगभग 1 लाख था। रेस्टोरेंट चलाने के लिए 35,000 रुपए बतौर किराए के देने होते थे। इसके अलावा 36,000 रुपए में 3 कर्मचारियों की तनख्वाह थी। कुल मिलाकर उन्होंने माना कि रेस्टोरेंट खोलकर उन्होंने गलती की थी। खैर लॉकडाउन की वजह से तो हर कोई अभी परेशान है आर्थिक तौर पर। ऐसे में रेस्टोरेंट से अपने ढाबे पर लौटने वाले कांता प्रसाद का भी काम कुछ खास नहीं चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।